हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कैसे किसे हैं और उनका परिभाषा क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो विकार जब दो स्वरों के मिलने से विकार या रूप परिवर्तन या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर यानी जब अ आ ई ई उ ऊ ये सबके मिलने से जो विकार या फिर रूप परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है अ धन आ, तो ये दोनों जो है हमारा स्वर है। अ भी हमारा स्वर है और आ भी स्वर है, तो इन दोनों के मिलने से नया शब्द बनेगा जो वो होगा आ। एक और उदाहरण है ई धन ई, जब दो छोटी ई के मिलने से बड़ी ई का निर्माण होता है, तो ये हो गया हमारा स्वर संधि। जब दो स्वर के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलके एक नए शब्द का निर्माण करें या फिर नया विकार लाएं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलके एक नया रूप परिवर्तित करते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ धन आ आ हुआ, ई धन ई बड़ी ई हुई, तो ये हो गया हमारा स्वर संधि। स्वर संधि जो है वो हमारा संधि का एक प्रकार है। वर्णों के आधार पर हम देखे थे संधि के तीन प्रकार थे, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उनमें से ही एक प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि कहते किसे हैं, जब दो स्वरों के मिलने से जो विकार या फिर रूप परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ धन आ आ, ई धन ई बड़ी ई, तो ये हो गया हमारा स्वर संधि। धन्यवाद।